जय माता दी। दोस्तों, साल 2022 में 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। नवरात्र में पूरे 9 दिन देवी माँ के स्वरूपों की उपासना की जाती है, लेकिन इन 9 दिनों से पहले भी हमें माँ के आगमन की तैयारी करनी होती है, ताकि माँ दुर्गा खुशी खुशी हमारे घर पधारे। ऐसे में आज हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें नवरात्रि से पहले पहले निपटा लेना चाहिए। नवरात्रि से पहले अगर ये खास काम ना निपटाए जाए तो साधक को देवी की उपासना और व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये जरूरी कार्य। शास्त्रों के अनुसार माँ का आगमन उसी घर में होता है जहाँ साफ सफाई हो। ऐसे में नवरात्रि का शुभ पर्व आने से पहले घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। देवी माँ के घर में पधारने से पहले जाले, जंग और गंदगी का अच्छी तरह से सफाया कर दे। ऐसा कहते हैं कि गंदगी वाले घर में माता को स्थापित करने से भक्तों पर उनकी कृपा नहीं रहती है। घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करे, इससे माता रानी आप पर कृपा करती है। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई के बाद व्रत की सामग्री लाना शुरू कर दीजिए। इसमें व्रत और पूजन सामग्री की चीजों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास में कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा, मूंगफली आदि जैसी चीजें पहले ही मंगा कर रख ले। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 9 दिन दाढ़ी मूछ, बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में बाल, नाखून, दाढ़ी बनवाने जैसे कार्य पहले ही निपटा ले। सर्वपित्र अमावस्या समाप्त होते ही ये काम निपटा ले, अन्यथा प्रतिपदा तिथि लगने के बाद आपको ये काम निपटाने का मौका नहीं मिलेगा। सनातन धर्म में स्वास्तिक का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करते हैं कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से हमेशा माता की कृपा बनी रहती है। ऐसे में माँ के स्वागत के लिए दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बना कर रखें। इसके अलावा घर के मंदिर और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वास्तिक बनाना ना भूले। अगर आप मांसाहारी हैं, तो नवरात्रि की साफ सफाई होने के बाद अंडा, मांस, मछली जैसी चीजों को घर में ना लाएं। इसके अलावा लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों से भी दूरी बना ले। घर से बाहर भी खान पीन की चीजों का विशेष ध्यान रखें। शराब या नशीली चीजें ना तो घर लाएं और ना ही बाहर इनका सेवन करें। नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि में कभी भी काले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना गया है। इस दौरान पीले, लाल या हल्के रंग के कपड़े पहने। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी की कृपा आपको जरूर मिलती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।